मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी मोर स्टोरी है शेर और हाथी की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर था। शेर को बहुत भूख लग रही थी। शेर ने हिरण को देखा और उसे मार के खा लिया। उस समय शेर के गले में हिरण की हड्डी फंस गई। शेर उसे निकाल नहीं पा रहा था। उससे बहुत दर्द होने लगा। शेर मदद के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। शेर को मोरनी नजर आई। शेर ने मोरनी से कहा कि मेरे गले में हड्डी फंस गई, तुम इसे निकाल दोगे? मोरनी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बहाने से मुझे खाना चाहते हो ना, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर मायूस होकर वहाँ से चला गया। इतने में उसे एक भालू नजर आया। शेर भालू के पास गया और कहने लगा, मेरे गले में हड्डी फंस गई, मेहरबानी करके इसे बाहर निकाल दो। भालू कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अपना मुंह लटकाते हुए वहाँ से चला गया। इतने में उसे एक हाथी नजर आया। हाथी एक आम के पेड़ के नीचे था। उसे बहुत भूख लग रही थी, वह आम खाना चाहता था। आम बहुत ऊंचे थे, उसका सूंड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसीलिए हाथी बहुत मायूस हुआ। इतने में शेर ने हाथी को देखा और कहा, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाथी यह सुनकर कहने लगा, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? शेर ने कहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मेहरबानी करके उसे निकाल दो, फिर मैं तुम्हारा जरूर मदद करूँगा। हाथी इसके लिए राजी हो गया और अपने सूंड के शेर गले में हड्डी बाहर निकाल दी। शेर का दर्द कम हो गया और वो बहुत खुश हुआ और वो आम के पेड़ पर चढ़ गया। शेर फल तोड़ कर नीचे गिरा दिए। हाथी आम के फलों को खाया, जिससे उसका भूख मिट गया और वह भी बहुत खुश हुआ। उस दिन से हाथी और शेर अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यहाँ पता चलता है कि कोई भी मुसीबत बोलकर नहीं आती, इसलिए हमें सब से मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।